हमने ये बेबी फ्रॉक बनाई है, बेबी गर्ल की फ्रॉक है, जिसके लिए मैंने ये चौड़ाई और लंबाई आपको वीडियो में बताऊं कितनी मैंने योग की चौड़ाई लंबाई ली है, और जितनी जितनी मैंने ये फ्रिल की लंबाई चौड़ाई ली है और बाजू की भी। आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रही हूँ किस तरह मैंने ये फूल बना के लगाए हैं, और ये कटिंग किसकी की है, बैक की और फ्रंट की इसकी, और ये मैंने बॉक्स प्लेट बना के लगाई है इस पर। तो बाजू पे मैंने सिंपल सा बना के लगाई है, सिंपल सी फ्रॉक है, क्योंकि समर सीजन की फ्रॉक है, सिंपल ये बच्चों की अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी बच्चों के नहीं अच्छी लगती, क्योंकि गर्मी भी है। तो स्टार्ट करती हैं आज की वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल होम स्टिचिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बेबी गर्ल का फ्रॉक लेके आए हैं, जो 7-8 मंथ की बेबी गर्ल का फ्रॉक बनाएंगे। तो व्यूवर, सबसे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और ये देखें, ये मैंने योग कटिंग की है इसकी इसकी योग की चौड़ाई और लंबाई मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ कितनी ली है मैंने। ये ली है मैंने 17 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और लंबाई इसकी मैंने ली है 13.5 इंच, जिसको हम ये फोल्ड करेंगे। ये दो पीस हैं, एक पीस ये फोल्ड कर लिया मैंने इस तरह, और फिर हम इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो हम इसकी पहले कटाई करेंगे। इसकी कपड़े को हमने बिल्कुल इक्वल कर लेना है, ताकि हमारी कटाई में कोई कमी पेशी ना आए। तो तीरा हमने इसका 8 इंच लेना है, तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे इसका। ये देखिए 4.5 पे मैंने ये निशान लगाना है इसका। तो कंधा हमने इसका 5 इंच लेना है, और चेस्ट फिटिंग हमने लेनी है इसकी 14 इंच। बेबी के खुले ही आप कपड़े रखें, गर्मियों का सीज़न है, तो पहनने भी आसानी रहेगी, बेबी को भी आसानी रहेगी पहनने में। ये देखें 14 की मैंने इसे चेस्ट फिटिंग रखनी है, और मैंने इसे कंधा रखना है 5 इंच, या 4.5 इंच रख ले आप। अगर बेबी हेल्थी है तो आप 5 रख लें। ये देखें इस तरह मैंने हल्की सी सिलाई ले दी है। ये देखें कंधा इसका आ जाएगा ठीक, हल्की सी हम इसको नीचे से कटाई करेंगे। आप कटिंग करने के बाद आप फिर मेजरमेंट करके देखें कि हमारा कंधा बिल्कुल ठीक आ रहा है इस तरह। ये देखिए हमारा कंधा बिल्कुल ठीक आएगा इसी हल्की सी कटाई करके। जैसे हमने इसे कटाई लेनी है, और हल्की सी हमने इधर से कटाई लेनी है, और हल्का सा हमने इधर से रेप लेना है। और हमने ऊपर से भी हल्का इसको कटिंग कर लेनी है 1/2 इंच, और हमने भी इसका नेक कटिंग करना है। नेक हमने लेना है इसका 2 इंच, और इधर से हमने लेना है 1.5 इंच। ये हमारा बैक, और ये फ्रंट ले लिया हमने। फ्रंट का हमने 1 इंच डीप कटिंग करनी है, और थोड़ा सा हम थोड़ा सा डीप हो गया इसका, जो सेट कर लेंगे जब सिलाई रहेंगे। और बैक ही हमने इस पर कट लगाना है। ये देखिए ये बैक हो गया, और ये नीचे हम फ्रिल बना के लगाएंगे इसकी। तो इसकी फ्रिल की मैंने लंबाई ली है, फोल्ड करके ये 35 इंच है, सिंगल आप खुद देख ले कि 17 इंच मिलकर सिंगल है। और ये मैंने इसकी मैंने चौड़ाई ली है 5.5 इंच, और ये बाजू की फ्रिल है जिसकी मैंने चौड़ाई ली है 2.5 इंच, और लंबाई इसकी जितनी है इसकी मैं फ्रिल बना कर लगाऊंगी। इस तरह पहले मैंने इसके फोल्ड कर लेना है दोनों तरफ, इसकी मैं सिलाई लगा लेना इसकी भी और इसकी भी। तो हम पहले हम इसका नेक तैयार करते हैं, इसका फ्रंट का भी और बैक का भी। मैंने बैक साइड का कट गला बना लिया ये देखें, और इसे ये मैंने तीर अटैच कर लिया। अब इस पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी, रेप मैंने पाइपिंग लगानी है। ये मैंने गले पर पाइपिंग कर ली, ये देखें इस तरह मैंने पाइपिंग की है। तो ये मैंने फ्रिल भी इस पर बारीक सी मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा ली इसकी भी, और ये बाजुओं की फ्रिल है। ये देखें अब हम इस तरह रखेंगे इसको, इस साइड पे, इस साइड पे रख के हम साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे, और साथ ही हम इसके चुनर डालते जाएंगे। इस तरह हमें चुनर डालने हैं हाथों से बारीक बारीक। ये देखें हमने इसके चुनर के ऊपर चुनर डाले, या इस तरह डालें या फिर इस तरह डालें, जिसका आपकी मर्ज़ी है। बॉक्स प्लेट डालने या आपने फिर इस तरह डालें। देखें
एक प्लेट का रुख बाहर की तरफ करना है और दूसरे प्लेट का रुख अपने अंदर की तरफ करना है, अपनी तरफ यानी कि ये देखें इस तरह। ये मैंने आपको पहले भी बता के बनाया किस तरह मैं ये प्लेट डालती हूँ। चले हम यही प्लेट डालते हैं बॉक्स प्लेट, और बाजू पे हम लगाएंगे दूसरे सादे प्लेट। ये देखें इस तरह बाजू पे भी हम सर्कल बना के लगाएंगे इस तरह प्लेटों वाले, इस तरह ही ये बाजू की हम, और ये नीचे हम इसके बॉक्स प्लेट डालते हैं। ये मैंने फिल बना के लगा ली, इसमें मैंने बॉक्स प्लेट डाले। ये बॉक्स प्लेट है इसके, मैंने आपको पहले भी बताया था कितने कितने, मैंने ये मेजरमेंट करके 2-2 इंच के मैंने निशान लगाए, फिर मैंने बॉक्स प्लेट डाल लिए। ये बॉक्स प्लेट की वीडियो मैंने पहले आपको बताई है किस तरह मैंने ये बॉक्स प्लेट डालनी है। अब दूसरी बाजू की मैंने सिंपल सी फील्ड बनाई है, ये देखें इस तरह से फील्ड बनाई है। ऊपर से मैंने ये कपड़े को इस तरह करके सिलाई लगा ली, इसकी भी सिलाई इस तरह लगाई है और इसकी भी, कपड़े को मैंने इसका ऊपर कर लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा गैप छोड़कर सिलाई लगा ली। अब इस पर हम लास्ट पर हम इसकी फिटिंग सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमने इसकी फिटिंग सिलाई लगानी, अपने बेबी के हिसाब से रखे हमने फिटिंग सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये जितने हमारी फ्रिल है इसको हमने इसको बराबर करना है, ये बाजू की फ्रिल को, और इस तरह हमने सिलाई लगानी है इसकी, हल्की सी इसकी फिटिंग करनी है हल्की सी, बस इस तरह सिलाई लगा लेनी है। इस पर हम सिलाई लगाने के बाद इस पर हम ये मैंने एक पट्टी सी बनाई है, ये देखिए इस तरह मैंने पट्टी बनानी है। ये मैंने कपड़ा लिया, इसकी चौड़ाई है 2 इंच से कम और लंबाई है इसकी 9 इंच। इसको मैंने इस तरह फोल्ड कर लेना है इस तरह, और दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लेना है। फिर मैंने इस तरह फोल्ड करके इस पर किनारे की सिलाई लगा लेनी है, और ये मैंने फिर लास्ट पे ये फूल रख के लगा लेना फ्रंट साइड पे इस तरह। इस साल का ये हमारा ट्राउज़र है, और ये पट्टी मैंने इस तरफ रख के लगा लेनी है। ये मैंने फ्रॉक बिल्कुल रेडी कर लिया है। लास्ट पर मैंने बताया था आपको निशान लगा के मैंने फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो फिटिंग सिलाई लगा ली। ये फ्लावर मेरे पास बड़ा था, इसके साथ के ट्राउज़र है, तो ये मैंने आपको बताया पट्टियाँ बना के इसमें मैंने फूल बना के लगा लिए दोनों साइडों पे। कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सी फ्रॉक है ये, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बैक साइड पे मैं इस पर टिच बटन लगाऊंगी इस तरह, तो कैसे लगे व्यूवर्स आपको ये वाली फ्रॉक कमेंट में मुझे जरूर बताएगा। ओके व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।